الله أكبر ولله الحمد مقرموا أوليائي في الجنة بالحسن والزيادة गुजारिश है ये तरतीबवार सफे बनाए ताकि आपको बार बार सफे दुरुस्त करने के लिए कहना ना पड़े। हजरत तमामी लोगों से आपके सामने जो है मुजफ्फर अशरफी लाश मुस्तफ़ा गुनगुनाने के लिए अपनी मन भरी आवाज़ से बारगाह रिसालत नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो है ये लाश मुस्तफ़ा पेश करने जा रहे हैं मुजफ्फर अशरफी का। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما أمرت صلى الله عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا نبي الله صلى الله عليه وسلم حضر المحترم سلطان الفاتح الصوفي الشيخ ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज बेलगाम शहर में और पूरे वतन में बहुत खुशी से ईद मनाई जा रही है, कुर्बानियाँ दी जा रही है और जो भी कानून का एहतराम करके हर चीज़ का एहतराम करके हमारे हिंदू भाई मुसलमान भाई सब मिलके आज ईद मना रहे हैं और दुआ करें कि आते हुए कई सदियों तक ऐसे ही मिलके रहे, ऐसे वतन में अमन और शांति रहे, प्यार और मोहब्बत रहे, सब खुश रहे। सभी को और एक बार ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहु। आप सभी को जो भी ये वीडियो देख रहे हैं और तमाम मुसलमानों और तमाम भाइयों और बहनों को और सभी को ईद मुबारक। हर बार ईद की तरह मैसेज तो सेम ही होता है क्योंकि ये मैसेज इतना अहम है कि हम जितना समझेंगे उतना कम है कि हर ईद में चाहे वो बकरीद हो, रमज़ान ईद हो या पूरे साल में हमें अमन और शांति के साथ ही आगे बढ़ना है। ना इसके बिना कोई और दूसरा रास्ता है और ना इंशाल्लाह कोई रहेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि बेलगाम शहर में माशाल्लाह इतनी शांति, इतना अमन और इतना भाईचारा वापस आ गया है पिछले एक साल में, तो इसी की दरख्वास्त भी है और इसी की दुआ भी है कि हम इंशाल्लाह इसी तरह आगे भी बढ़ेंगे एक साथ और सभी को लेकर और सबके साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया। ईद मुबारक तमाम मुसलमानों को। ईद उल अज़हा की मुबारकबाद, खासकर बेलगाम के मुसलमानों को और पूरे उम्मत मुस्लिम को ईद की परखलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। तमाम मुसलमानों को ईद उल अज़हा मुबारक हो। आज जो है शहर बेलगाम में अंजुमन ईदगाह मैदान में बड़े जोश व खरोश के साथ जो है ईद की मुबारकबादियाँ पेश की जा रही है और तमाम बरादरान मिल्लत और फराम मुसलमानों को ईद की पुरखलूस मुबारकबाद पेश करते हैं। इसी तरीके से जो है देश में अमन और शांति बरकरार रहे और यही दुआ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत सबको ईद मुबारक हो। सब हमारे सब हिंदू भाइयों को, सब लोगों को हमारे तरफ से सबको ईद मुबारक। हिंदू सर्व मुस्लिमरु कूड़ा संतोषदिंद बकरीद हब्बवन्न आचरिसिद्दारे। बेळगावियल्लू कूड एल्ला मुस्लिम जनांगदवरु संतोषदिंद सुख शांति नेम्मदियिंद हब्बवन्न आचरिसुत्तारे। ई बकरीद हब्ब सुख शांतिय संकेतवागि इरुवंत हब्बवागिदे। इल्लिरुवंत एल्ल मुस्लिमरु तम्म त्याग मनोभावदिंद बकरीद कुर्बानियन्न कोट्टु सर्वरु संतोषदिंद हब्ब माडबेकु अन्नुवंत आशयवन्नु इट्टुकोंडु ई हब्बवन्न आचरिसलागुत्तदे।
सभी भाइयों बहनों दोस्तों बुजुर्गों और बच्चों को आप सबको ईद उल अजहा बहुत बहुत मुबारक। आज का दिन कुर्बानी का है और उसके वजहात जरूरी है समझना सबके लिए। कुछ बातों से मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो मैं गुजारिश करूंगा आप न्यूज़ चैनल वालों से सोशल मीडिया वालों से कि आने वाले दिनों में इसका सही मतलब और मकसद और ये क्यों हम पे वाजिब है ये पूरी दुनिया को समझाएं। साथ साथ ये भी जरूरी है कि हम अपनी कुर्बानियों के वजह से किसी और को तकलीफ ना पहुंचाएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं रेहान मुजावर सबको बकरीद की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और सभी भाइयों को सभी बेलगाम वासियों को ईद मुबारक। अभी जस्ट इलेक्शन खत्म हो गया तो इसमें एक सीख मिली है, परवरदिगार गुनेगार के भी करीब है, उसको एक ही चीज कबूल नहीं है और वो है अहंकार, एरोगेंस जिसको बोलते हैं। वो जिधर भी पब्लिक को दिखा है कि एरोगेंस नजर आया है उनको करेक्ट उनकी जगह दिखा दी है। सो ये बात रखते हुए मैं सबको और ईद मुबारक बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।